ओके सो हाय गाइस दिस इज प्रोशन एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं एक गेम प्ले के ऊपर तो एक गेम प्ले पूरा आपको एंड तक देखना पड़ेगा इसके सारे यू you नो know, uh, टिटबिट समझने के लिए तो इसमें हम अभी नोवो पे उतरे थे आप देख सकते हैं एंड बंदा लंगड़ा के चलने लगा था पता नहीं क्यों जब टेढ़ा उतर के गुलाटी सी मारता है मेरे हाथ में एक पैन आया था एकिया आती है मेरे पास एकिया उठाई अभी के लिए ये देखने के लिए कहीं पर बॉट मिलते हैं बिकॉज यू you नो know, केड़ी बढ़ाने के हमेशा वही सबसे ज़्यादा काम आते हैं तो ये पूरा का पूरा गेम प्ले आपको ये समझाएगा कि किस टाइप से यू you नो know, आपको गन्स को यूटिलाइज़ करना है जब आपके पास क्लोज रेंज फाइट्स होती हैं मिड रेंज फाइट्स होती हैं और ऐसे कुछ सिनेरियोस बनते हैं तो आई रिकमेंड यू कि आप ये गेम प्ले पूरा एंड तक देखिए लाइक कीजिएगा इस वीडियो को एंड अपने दोस्तों के साथ अपने स्क्वाड के साथ शेयर कीजिएगा एंड मुझे बताइएगा कि आपको यू नो कौन सी गन पसंद है स्टार्टिंग में आपको मिल जाए तो काफी ज़्यादा आपका बढ़िया गेम प्ले आपके अकॉर्डिंग हो सकता है लोगों के फेवरेट गन्स होते हैं तो आप लोग अपने फेवरेट गन का कॉम्बिनेशन नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मैं ट्राई करूँगा उन गन्स का ड्रिल लाने का अगर मैं ला पाया सो so, ये पूरा एक गेम प्ले अभी तो बनने वाला है यू नो आ, इस इस टाइप के गेम प्ले के ऊपर मिस्टेक के लिए रेटेक्स को मेरे टीममेट ने आकाश ने वहाँ पर डाउन कर दिया एंड ये प्ले ये जो प्लेयर्स हैं इसमें से मोस्टली पीएमआईटी प्लेयर्स हैं हाइप सोनिक फ्रॉम टीम हाइप ही इज़ अ पीएमआईटी प्लेयर ही इज प्रॉपर अ कॉम्पिटेटिव प्लेयर तो ऐसे कर यू नो प्रॉपर प्लेयर्स हैं सब लोग एस के हैं तो हमें एस लॉबी प्रॉपर मिलती है एस टू कॉन्करर लॉबी एक्चुअली बिकॉज इसमें जो प्लेयर्स हैं एस सेवनटीन स्टार एस एटीन स्टार्स भी हैं तो तो हमें प्रॉपर एस टू कॉन्क्रर लॉबी मिली थी तो ये कॉकुरर लॉबी और एस लॉबी में आपको किस टाइप से यू नो रशेस करने हैं ये चीज़ इसके अंदर बताई जाएगी एंड किस टाइप से आपको यू नो यूनो कन्ज करनी है अभी प्लेयर पता नहीं कैसे बीच में आया मिस्टर किलर सिक्स एक्स एट एक्स मारा थ्री एक्स मारा सिक्स एक्स मारा सारे स्कोप तो हमने वहां पर ही मार दिए थे बात अगर आपको और भी बिहाइंड द यू नो व्यूज चाहिए होते हैं सारी सारी चीजें चाहिए होती तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तब तक मैं एक बॉट मारता हूँ जब तक मैं खुद को बेच रहा हूँ इंस्टाग्राम को तो ये पूरी एक स्नैरी होती है और बॉट यू नो मारने इंपॉर्टेंट है हमारी टीम आपकी टीम चाहे कॉन्करर की हो चाहे ब्रॉन्ज की हो चाहे एस की हो चाहे डायमंड की हो चाहे क्राउन की हो चाहे प्लेटिनम की हो अगर बॉट आ गया ना सामने चारों बंदे बॉट को मारने के लिए भागते हैं और ये चीज़ हर एक लॉबी के साथ हर एक टीम के साथ होती होती है हमेशा होती है ये चीज़ तो आपको ही पता है अगर आप इस चीज़ से अग्री करते हो तो लाइक ज़रूर मारोगे आप लोग और सब्सक्राइब भी करोगे और अपने स्क्वाड के साथ शेयर भी करोगे वहाँ पर आप देख सकते हो जब तक मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें बॉट मारे जा रहे हैं और हम आगे आते हैं बाय द वे और कितना आगे जाएंगे अगर बॉट के फुट सब दिख गए तो सारे लोग निकल के उधर गोलियां चलाई शुरू कर देंगे यहां तक कि ड्राइवर भी उतर जाएंगे गाड़ी से सबसे पहले ड्राइवर उतरता है बॉट मारने के लिए लेकिन उसको बॉट नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली वापस आना पड़ेगा अब हमें फ्लेयर्स दिखती हैं अगर हमें फ्लेयर्स दिख चुके हैं सो द मेजर थिंग इज के उधर तक मूवमेंट करना पड़ेगा उधर जाना पड़ेगा फ्लेयर्स की डायरेक्शन फ्लेयर्स का लोकेशन हर एक चीज यू नो ओवरऑल समझनी पड़ेगी तो फ्लेयर्स के लिए हम लोग जा रहे हैं एक एरिया माँ क्या कि इसके आगे कहीं पर फ्लेयर्स हो सकते हैं बिकॉज सर्कल का एकदम एज वहीं बनता था हम लोग पहुंचते हैं फ्लेयर्स देखने के लिए लेकिन क्योंकि हम इतनी देर बाद पहुंचे तो ऑब्वियसली वहाँ से लोग फ्लेयर लेकर लूट लूट कर जा चुके हैं हमारे इंतजार में तो कोई बैठेगा नहीं कि हाँ ओशन की स्क्वाड आएगी और हम उसको मारेंगे या मरेंगे लाइक like, डिपेंड्स तो हम लोग यहाँ पर आते हैं पूरा सिनेरियो आसपास चेक करते हैं तहकीक़ात करते हैं पूरी कि कहाँ पर लोग हो सकते हैं कहाँ पर लोग नहीं हो सकते और किल फीड भी ऐसे टाइम पर देखना इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप ये जान सको कि यू नो कोई फ्लेयर ड्रॉप या एयर ड्रॉप गन्स का अगर यूटिलाइजेशन कर रहा है तो कौन कर रहा है कहां कर रहा है कैसे कर रहा है क्यों कर रहा है और घरों के अंदर जा जाके जा पूरा एक एरिया छान लिया कोई नहीं मिला इन लोगों ने स्कार छोड़ी थी जस्ट बिकॉज यू नो इनके पास अच्छे अच्छे गन्स आ चुकी तो मेजर चीज थी अब इन लोगों को ढूंढना सो तो ये कहां जा सकते है हमने ये सोचा और आकाश अकेले गाड़ी लेकर गया बिकॉज ऑब्वियसली ड्रॉप्स लूटने बॉट मारने ये सब चीजें सब लोगों को करनी होती हैं तो वो चीज हम देख रहे थे बट एज ऑफ नाउ कुछ तो मिला नहीं है सच सो हम लोगों ने सोचा कि आगे मूव करते हैं आगे जाते थोड़ा सा जिधर भी फाइट मिलती है जो भी मिलता है उधर जाकर यू नो दे जिगल दे जिगल एकदम मस्त करेंगे लेकिन उसकी जगह यहाँ पर और भी स्नैरियोज़ होने वाले हैं जैसे ही हम आगे जा रहे थे पूरे एरियाज़ पर जा रहे थे यहाँ से वहाँ प्लेयर्स को ढूंढ रहे हैं प्लेयर्स खुद हमें ढूंढते आ जाएंगे हमने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा था हम तो पूरा शेल्टर शेल्टर के आसपास शेल्टर के बैकहैंड सब एरियाज़ पर मूवमेंट दे रहे थे लेकिन इतनी देर में वो लोग आते हैं सीधा हमारे मुंह पर गाड़ी चढ़ाते हैं लेकिन क्या प्यारी स्किनार इन लोगों की पर स्किन से कुछ नहीं होता गाई इस गन चलानी होती है गन मैं नहीं चला पाया मैं गाड़ी फोड़ने लगा था लेकिन उससे पहले मैंने टीम मेट से गाड़ी फोड़ दी और यहाँ पर ये जनाब सारे के सारे किल्स उठा चुके हैं लेकिन बेस्ट चीज़ ये आती है एम और ए और अगर ये गन्स हैं आपके पास फिर तो गेम है आपके पास ये तो आप भी मानते हो यार एम टू ये दो गन्स अगर लोगों के पास हैं सबसे प्यारा सबसे अल्टीमेट कॉम्बो मेरे ख्याल से ये बन सकता है अगर आप लोग मानते हो तो यू नो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और यहाँ पे हमें बॉट मारते हुए देखिए के अंदर बट स्टिल नेवरदलेस मतलब बता दस यहाँ पर पूरी पूरी लूट ले ली अभी तक मेरे तीन किल्स हैं मेरे को अपने किल्स बढ़ाने हैं कुछ ना कुछ करके एंड किल्स बढ़ाने हैं मैं चाहता हूँ मेरे स्कॉर्ड को किल्स ना मिले तो उसका एक ही चीज़ हो सकता है कि जितना जल्दी जितना आगे जाया जाए एंड सारी एम टू फोन की सौ गोलियां डाल दूंगा मैं बीच में मेरे को फर्क नहीं पड़ता लेकिन मेरे को एट द एंड किल्स चाहिए हम आगे जा रहे हैं पूरा का पूरा एरिया ढूंढ रहे हैं हमें लगा कि यहाँ पर घर में बंदे हो सकते हैं पर घर में कोई बंदा था नहीं अब हमने सोचा कि कहीं और थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एकदम अपार्टमेंट्स में ना थोड़ी सी साउंड्स वगैरह आने की शुरुआत होती है कि अपार्टमेंट्स में कहीं ना कहीं पर गाड़ी चलने की और लेफ्ट में गाड़ी दिख चुकी थी हमें लेकिन ये जो ठोका ना गलत ठोका अगर यहाँ पर बंदे होते हैं इस साथ वाले घर में हम लोग की अभी तक पेटियाँ बन चुकी होती और उन पेटियों से वो लोग एम टू फोर नाइन एट बी एम लूट रहे होते हैं हम आगे मूव करना शुरू कर चुके हैं आगे मूव करते हुए पूरे के पूरे एरियाज पूरे के पूरे सिनेरियोज में हम लोग मूवमेंट दे रहे हैं एंड अगर आपके पास ओम या कुछ है तो आप ऑब्वियसली ये चीज़ करोगे आप पूरा एक टॉप टॉप एज होल्ड करोगे टॉप एज हमने मैंने होल्ड कर लिया एंड वहाँ पर प्लेयर्स दिखे थे एक को शॉट देने का ट्राई किया बट एज ऑफ ना उन्होंने गाड़ी रोक ली बिकॉज उनको फाइट लेने की थी ये हेड शॉट होना चाहिए था बट हेड शॉर्ट क्यों ना मेरे को समझ नहीं आया लेकिन मैंने जिसको डैमेज दिया उसको फिनिश मेरा टीम मेट नहीं ने ऑब्वियसली एडिक्टिव किल चोर है यहाँ पर यह आप बोल सकते हो पूरे के पूरे सिनेरियो में अब एक प्लेयर डाउन है मेरे पास ये है एम टू फोर नाइन और ए डब्ल्यू एम तो मैं सोच लिया कि मैं आगे जा रहा हूँ तुम लोग साइड से आते रहो एक बंदा ऊपर से डैमेज देता रहे यही होगा और सुमित को भी डाउन किया जा चुका है अब तो कुछ नहीं करना अब तो सीधा घुसना है बंदे मारने खत्म करने और एट डी एंड सारे के सारे किल्स उठाने हैं यही चीज़ करनी रहेगी तो यही चीज करने के बारे में सोचा था अंदर ग्रेनेड करने का सोचा है एक प्लेयर नीचे हो सकता है ये मेरे को कॉल आया था और एक प्लेयर ऊपर हो सकता है हर तरफ पूरा पूरा कर दिया लेकिन एक प्लेयर पीछे भी हो सकता है सो so, तीन तरफ ग्रेनेड्स फेंक दिए पहले ग्रेनेड से कोई नहीं गया दूसरे ग्रेनेड से कोई नहीं गया यहाँ पे नकली स्काउट सर थे ये जो भी थे पता नहीं क्यों बट वो भी पूरे पूरे फाइट लेते हैं नारको डाउन हुआ ये सब प्लेयर्स डाउन हो रहे हैं क्योंकि हम लोग आगे मूव कर रहे हैं एंड मैं सिर्फ और सिर्फ डैमेज इकट्ठे कर रहा हूँ यहाँ पर मैं उसी चीज़ के लिए बच गया था मैंने कहा कि आगे मूव करते हैं देखते हैं कौन हो सकता है यहाँ पर कोई नहीं था और हमारी टीम का बेस्ट प्लेयर स्टार प्लेयर गया मैं उसी पे गोलियां चला रहा था पता नहीं क्यों बट वो भी यहाँ पर फिनिश होता है और आखिरी के जो भी प्लेयर्स बचे थे वो यहाँ पर आते हैं उनको डैमेज दिए और सारे के सारे प्लेयर्स यहाँ पर ख़त्म होते हैं इसके बाद हमें अपने मरे हुए दोस्त को श्रद्धांजलि देनी है और आगे मूव करने का ट्राई करना है क्योंकि उसके अलावा तो कुछ बचता है नहीं तो ट्राई करेंगे किस तरीके से और कैसे आगे मूव कर सकते हैं और कैसे पूरे के पूरे एरिया में जा सकते हैं बट ऑब्वियसली हमेशा ऐसे श्रद्धांजलि दो कि जो भी आपका टीम मरता है उसके क्रेट से लूट उठाओ काफी ज़्यादा प्यारा लगता है उसको भी देख के यहाँ से हम आगे मूव कर चुके हैं हमारी गाड़ी में फ्यूल पूरा खत्म हो चुका है आप देख सकते हो जीरो फ्यूल हो चुका है तो हमें आगे मूव करना है लेकिन मैंने वहाँ पर एम टू फोन नहीं एम क्यू उठा ली थी ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एयर ड्रॉप गन्स जो मर्जी हो आपको भागने ही भागदा है वहाँ पर एक गाड़ी दिख चुकी है हमें उन्होंने तो कहा कि बग्गी लेकर जाते हैं वहाँ पर बंदे होने चाहिए मैं बग्गी नहीं चलाऊंगा क्योंकि मेरे को अब किल चाहिए चाहिए कुछ ना कुछ करके तेरह बंदे बचते हैं मेरे पास किल है नहीं और वो किल इंपॉर्टेंट है वहाँ बंदा दिख चुका है शॉट लिया नहीं लगा हम कौन सा पूरे प्रो हैं एक और शॉट लिया नहीं लगा अब आगे जा रहे हैं पूरे का पूरा एम के फोर्टीन हमारे हाथ में और एम के फोर्टीन और यहाँ पर कितने बंदे कोई आइडिया नहीं है बट फिर देखा कि यह गाड़ी है ऑब्वियसली तो बंदे एक से तो ज़्यादा होने चाहिए और कोई ऐसे नहीं बैठेगा देखिए दो बंदे दिखते हैं एंड बहुत ही आराम से दोनों को खत्म किया यहाँ पर दो किल उठाए तुम्हारे भाई ने क्योंकि तुम्हारे भाई जैसा कोई प्रो ही नहीं है लेकिन इसके बाद ऑब्वियसली ग्यारह बंदे अभी भी बचते हैं अब ये सब बंदे बचे हैं तो ये बंदों से भी फाइट लेनी है इन बंदों को भी पूरा यू नो फाइट देनी भी है पूरा देखना पड़ेगा कि कैसे किधर बंदे जाते हैं किधर बंदे होते हैं तो आगे मूव करने का हमने ट्राई कर लिया हमारा एक प्लेयर जो कि ए एफ के था अभी तक जब तक हमने ये फाइट ली है वो पता नहीं उस एफ के से निकला या नहीं निकला वो धीरे धीरे निकल कर आता और हम जा रहे हैं उसके पास जो कि सर्कल से बाहर है तो ऑब्वियसली यू नो सर्कल का एक डैमेज पूरा का पूरा ले रहा होगा बट सर्कल उतना बड़ा नहीं है लेकिन यहाँ पर आती है एक मेन दिक्कत अब यहाँ पर मैं बड़ी गलती करूंगा इस एरिया में हमने का बंदे हो सकते हैं तो एक बार इस एरिया में देख लेते हैं उनको लेफ्ट में बंदे दिख चुके हैं मेरे को भी दिख चुका है और यहाँ पर मेरे को बैठ जाना चाहिए था सही टाइम पर मैं अंदर नहीं हो रहा हूँ मेरे को गोलियाँ पड़ रही हैं ये मेरी गलती एक बनी पूरी की पूरी और यहाँ पर एक और गलती होगी मैं पीछे आने का बटन दबाना चाहता मैं थोड़ा सा पीछे आना चाहता था इस फाइट में बट वो मुझसे हुआ नहीं मैंने उस प्लेयर को स्पॉट किया मैंने शॉट दिया उसकी मुंडी अलग अलग नहीं अंदर हो गई और मैं यहाँ पर लेट गया यहाँ पर नहीं लेटना चाहिए था मुझे लेटना चाहिए था रेत से नीचे आकर सो so ये एक हल्का सा सीन जो बना मेरा बट सर्कल मेरे फेवर में था एज इन सर्कल एक मिनट था अभी सर्कल में क्योंकि तो सर्कल था फेवर में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी आराम से यहाँ पे अपने आप को रिवाइव करवाता और तो है ही क्या करने को तब तक वहाँ पे आकाश अपने किल उठा रहा है पूरे पूरे उसने ओम से एक बंदे को नॉक कर दिया मैं हील कर रहा हूँ और मैंने बोला कि तुम लोग आगे जाओ तुमने दो बंदे नॉक कर दिए बेटर होगा बेस्ट होगा तुम लोग आगे निकल जाओ सीधा पर वो क्या बोलते कि नहीं तुम्हारे बिना नहीं जाएंगे मैंने कहा चलो फिर ले चलो मेरे को क्या ही करना है मैंने बूस्ट मारा पूरा और मैं आगे मूव कर रहा हूँ आकाश पूरा आगे जा चुका है क्योंकि उसको दो पेड़ों का कवर मिल चुका था प्रॉपर मैं ग्रेनेड ट्राई किया जिसके ग्रेनेड लगेगा और इसके बाद मैं सोचा कि पूरा का पूरा अंदर मूव करूँगा अब यहाँ पर मेरे को एडोजी एम के निकाल लेनी चाहिए अपने हाथ में और मैंने वही किया पूरा का पूरा अंदर मूव करने से पहले ऑब्वियसली साइड वाले एरियाज पूरे देखने पड़ेंगे यहाँ पर मेरे को एक बंदा दिखता है उसके ऊपर थोड़े से शॉर्ट्स लिए और उसको फिनिश किया मेरे टीम ने आकाश ने इतने मेरे टीम मेट डाउन हो चुका है आकाश की भी हेल्थ वन एच थी मेरे को क्लच नहीं करने देते यार अदरवाइज मेरे से प्रो प्लेयर तो कोई है ही नहीं इस पूरी गेम में तो यहाँ पर इन प्लेयर्स को मारकर हमारे पास छः किल्स आ चुके है, हैं आठ लोग अभी अलाइव है पूरे इस सीन में तो ये आठ लोग कहाँ पर है मतलब पाँच लोग कहाँ पर है बाकी वो देखना है पूरा है ना सर्कल में जाना सर्कल बिल्कुल पास है पाँच सेकंड बचते हैं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है तो सर्कल में जाने की ट्राई करते हैं और यहाँ पर मेरे को पता है सर्कल आगे के एरिया में तो वहाँ पर डबल बार्न हाउस होना चाहिए डबल बार हाउस में बंदे होने चाहिए क्योंकि वही एक यू नो पोटेंशियल एरिया बचता है या फिर अगर कहीं पर एयर ड्रॉप होता है अब चार बंदे बचे हैं हमारे पास एक बंदा खत्म हो चुका है और वो डबल बान हाउस में बोल चुका है कि उधर बंदे हो सकते हैं अब चार बंदे बचते हैं थ्री वी फोर भी हो सकता है थ्री वी टू वी टू भी हो सकता है कुछ ऐसा हो सकता है अब हमने देखना है ओपन में कहीं पे सस्पिशियस गाड़ियां हैं या नहीं ये गाड़ी सस्पिशियस खड़ी है मतलब इसके आसपास कहीं बंदे हो सकते हैं लेफ्ट में एयर ड्रॉप है मतलब उसके आसपास कहीं बंदे हो सकते हैं बान हाउस में बंदे हो सकते हैं ये लोग बान हाउस जाते हैं इनको वहाँ पर किसी के फुट नहीं आते लेकिन इनको एयर ड्रॉप पर साइड में आप देख सकते थे एकदम हल्के लेफ्ट में एक गाड़ी स्पॉट हो चुकी है अभी वो एयर ड्रॉप के पास है एक गाड़ी सो एयर ड्रॉप के पास भी बंदे हो सकते हैं तो या तो थ्री वी टू वी टू होगा या फिर थ्री वी फोर होगा जिसके अंदर दो दो लोग स्प्लिट होंगे अब यहाँ पर ये बग्गी हमारी बग्गी आगे खड़ी है तो हमें देखना है कि आगे किधर और कैसे जा सकते हैं पूरी फाइट में डबल बांध में ऑब्वियसली बंदे हो सकते हैं ओपन एरियाज़ कहीं ना कोई कहीं ना कहीं कोई साम बन के बैठा हो सकता है सो पूरे एरियाज़ यू नो स्पॉट करने और देखने लेकिन वहाँ पर स्मोक दिख चुका है वहां पर स्मोक दिख चुका और एक बंदे का हेलमेट जस्ट एक सेकंड के लिए पॉप हुआ था तो वो देख चुके हैं कि कहीं ना कहीं पर तो कोई ना कोई है अब शॉर्ट्स लेने के ऐसे ट्राई करूंगा जस्ट केस बट मैंने बोले तुम लोग आगे जाओ आगे घुसो सीधा उधर शैक पर घुस जाओ क्योंकि अगर वो बंदे पीछे कहीं जाएंगे तो शैक ही उनके पास एक पोटेंशियल एरिया बचता है कहीं ना कहीं जाने का तो शैक का मैंने उन लोगों को कॉल दे दिया अब ये लोग जाते शैक के पास और वहाँ पर बंदे मारने का ट्राई करेंगे मैं यहाँ से शॉर्ट्स लेने का ट्राई करने वाला था फिर देखा शॉर्ट का अप्रॉक्सिमेटी हल्का सा ड्रॉप की तरफ है लेकिन वहां पर एक बंदा मेरे को दिख गया आपने देखा बाना उसमें वो बंदा पता नहीं क्या कर रहा था बट इसको नॉर्मली लोग गलतियां करना बोलते हैं तो वो गलतियां कर रहा था अब उस बंदे को डाउन कर दिया है तो हमार हम लोग दो अलग अलग तरीक़ों से फाइट ले रहे हैं मैं यहाँ पे और ये लोग वहां पे अब आता है ग्रेनेड कुकिंग ग्रेनेड प्रॉपर तरीके से कुक करना था छः लोग बचते हैं इसको फिनिश करना है ये नॉक हुआ था मतलब इसके टीममेट्स भी होने चाहिए कहीं ना कहीं और ये ग्रेनेड प्रॉपर कुकड है और ये बंदा जाएगा यहां पर एक नॉक हुआ दूसरा बचा ये वही है जिसको अभी नॉक किया था तो इसने हेल्थ नहीं लगाई थी इसलिए नॉक हुआ दूसरा बचा हर एक एरिया स्पॉट करना पड़ेगा हर एक एरिया हर एक साइड देखनी पड़ेगी कैसे करनी है लेफ्ट देखा कोई नहीं है यहां मूव करके लेफ्ट देखा प्री फायर के अंदर मोहित सक्सेना एट इज डेड और अब बचता है एक बंदा अब आता है सबसे मुश्किल काम इस सर्कल में भैया एक बंदा ढूंढो पर मैंने अपने टीममेट्स को बोला कुछ नहीं होगा आखिरी बंदे को सिर्फ और सिर्फ स्नाइपर से मारना है और कुछ नहीं करना बिकॉज कंटेंट इंपॉर्टेंट है तो ट्राई कर रहे थे कुछ ना कुछ करने का कि स्नाइपर से अगर मार सकें हेड शॉर्ट परसेंटेज स्किल परसेंटेज बढ़ा सकें कुछ ना कुछ कर सकें ओबियसली तो यू नो वेल एंड गुड रहेगा सो so, आस पास देख रहे हैं पूरे एरियाज़ देख रहे हैं किधर से कहाँ पर बंदा हो सकता है क्योंकि ऐसे में अगर एक बंदा बचता है ना वो डेस्परेशन में आपको फिनिश ही करेगा उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके बाकी बंदे कहाँ हैं कितनी दूर हैं कितनी पास हैं उसको आपको फिनिश करना है वो आपको फिनिश करेगा कुछ ना कुछ करके ट्राई करेगा किसी भी तरीके से ट्राई करेगा बट उसको आपको फिनिश करने का पूरा सोचना है मैं सोचा गाड़ी लेते हैं और गाड़ी लेके कर यहाँ से वहाँ घूमेंगे गाड़ी निकली ग्लिच गलीच गाड़ी कैसी चलेगी वो तो पूरा ऑब्वियसली देखना ही था सो तो ट्राई कर रहे हूँ कि कितना आगे सर्कल में जा सकते हैं अब ये सर्कल जीरो जीरो हो चुका है सर्कल के बाहर तो बंदा होना नहीं चाहिए और ये गाड़ी की आती है ड्रिफ्ट एकदम टोक्यो ड्रिफ्ट पूरा मारते हुए मैं सोचा कि इस शैक में बंदा हो सकता है ऑब्वियसली ना एरिया स्पॉट करने होते हैं एरिया पूरे देखने होते हैं बट यहाँ पर कोई नहीं मिला अब देखना है पीछे किधर बंदा हो सकता है और एक जनाब चलते हुए दिखे हैं पूरे तो ट्राई कर रहे हैं पांटा पब बनने के हम देख रहे हैं कैसे शॉट्स ले सकते हैं ये पता नहीं कैसे मिस हुआ यार ये शॉट कभी मिस नहीं हो सकता ये लगा बट स्टिल लेकिन अगर आपको ये गेम प्ले पसंद आया तो यार लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और ये होती हैं एस की लॉबीज एस और कॉन्करर की लॉबीज अगर आप लोगों को पसंद आए तो यार शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एल सी नेक्स्ट वीडियोज वॉचिंग पीस आउट हैव अ रियली नाइस डे टेक केयर Bye bye.